गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने तीन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें थ्री एंड फोर के बीच में सिक्स रेशनल नंबर फाइंड किया था, ठीक है। और बताया था क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स सेम है, और इस क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उस चीज़ को हम लोग एन मान लेंगे, ठीक है। तो हेयर एन इक्वल्स टू कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5। तो एन इक्वल्स टू 5, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6/6, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 3/5 एंड 4/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3/5 इक्वल्स टू 3/5 इंटू 6/6 इक्वल्स टू 18/30, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4/5 इक्वल्स टू 4/5 इंटू 6/6 इक्वल्स टू 24/30। अब 18 एंड 24 के बीच में जो जो नंबर्स हैं वो बाई 30 करके हम लोग रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर क्या क्या हो जाएंगे, 18 एंड 24 के बीच 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर टू क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो इस क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू के सोल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में जो काम किया था वही करेंगे, कि जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसको एन मान लेंगे। तो हेयर एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर्स, तो एन इक्वल्स टू 4। फिर क्या करेंगे, एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू 4/1 बाई 4/1 इक्वल्स टू 5/5। अब फिर क्या करेंगे कि जो रेशनल नंबर्स हैं और डिनोमिनेटर्स जो डिफरेंट हैं इस चीज़ को हम लोगों को सेम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 एंड 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम 3 एंड 5 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 एंड 5 का हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली 3 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन, 3/5 इक्वल्स टू 15, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, देन 2/3 इक्वल्स टू, अब देखिए ये 3 जो है इसको हम लोगों को एलसीएम के इक्वल लेकर के आना है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 होगा, तो 5 से। तो फाइनली इसको 2/3 को हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 4, तो हम लोगों को 5/5 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 50/75, ठीक है। और फिर सेम चीज़ 4/5 के साथ भी करेंगे, एंड 4/5 इक्वल्स टू 4/5। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम के इक्वल होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको 5/5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक।
तो फाइनली फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 60/75। अब 50 और 60 के बीच में जो नंबर्स हैं वो बाई 75 करके हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। नाउ 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 4/5 आर, अब 50 और 60 के बीच में 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, ठीक है। अब 50 और 60 के बीच में और भी नंबर्स आते हैं, बट हमें 4 ही रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो ये 4 रेशनल नंबर्स हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।